माँ बनना इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है और इसके बाद हर महिला की जिंदगी में काफी बदलाव आता है। हर लड़की अपने शादीशुदा जिंदगी में इस खुशी का लुत्फ जरूर उठाना चाहती है। हालांकि कई बार इस खुशी को पाने के चक्कर में कई ऐसे दर्द भी झेलने पड़ते हैं जो हर किसी को तोड़ कर रख देते हैं। वो है गर्भपात का दर्द। आपकी कई पसंदीदा अभिनेत्रियों ने भी ऐसा ही दर्द झेला है। उन्होंने खुद आगे आकर बताया कि कैसे उन्होंने इस दुख और दर्द का सामना किया है। आज हम अपनी इसी कहानी के माध्यम से आपको बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने गर्भपात का दर्द झेला है। आइए डालते हैं एक नज़र ऐसे ही कुछ अभिनेत्रियों पर। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने साल 2009 में बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी की थी। शादी के करीब 3 साल बाद शिल्पा ने अपने बेटे व्यान को जन्म दिया और फिर वो सैरोगेसी के जरिए दोबारा माँ बनी। शिल्पा अब एक बेटे और एक बेटी की माँ है। लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि शिल्पा गर्भपात के दर्द से भी गुजर चुकी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और क्रिकेटर हरभजन सिंह की पत्नी गीता बसरा भी दर्द से गुजर चुकी हैं। आज गीता 2 बच्चों की मां होते हुए भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार गर्भपात का दर्द झेल चुकी हैं। इस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था कि साल 2019 और साल 2020 उनके लिए काफी खराब साल रहा है। उसने कहा था कि गर्भपात के कारण वो बहुत परेशान थी, इससे मैं मानसिक रूप से काफी परेशान हो गया था। बॉलीवुड की चुलबुली एक्ट्रेस काजोल भी इस दर्द को झेल चुकी हैं। उन्होंने इस दर्द को एक बार नहीं बल्कि 2 बार झेला है। बता दें कि काजोल और अजय देवगन की शादी 1999 में हुई थी। साल 2001 में दोनों पेरेंट्स बनने के फैसला किया। काजोल प्रेग्नेंट हुई लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी जिसके चलते मिसकैरेज हो गया और उन्होंने 6 हफ्ते बाद अपने बच्चे को खो दिया। शाहरुख खान की लाडली पत्नी गौरी खान भी इस भयानक दर्द से गुजर चुकी हैं। आज शाहरुख खान गौरी के 3 बच्चे हैं, लेकिन अपने पहले बच्चे आर्यन के जन्म से पहले ही साल 1997 में गौरी का गर्भपात हो गया था। शाहरुख खान ने खुद इस बारे में बताया कि बेटे आर्यन से पहले गौरी का कुछ गर्भपात हुआ था जो काफी दर्दनाक था। इससे पूरा परिवार सदमे में था। परदेश फेम एक्ट्रेस महिमा चौधरी का भी गर्भपात हुआ। उसने एक बार खुलासा किया था कि उसके वैवाहिक जीवन में समस्याओं के कारण उसका 2 बार गर्भपात हो चुका है। बता दें कि महिमा ने साल 2006 में आर्किटेक्ट और बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से शादी की थी। इस शादी के दौरान महिमा के 2 गर्भपात हुए थे। इस दर्द से गुजरने के बाद महिमा को 3री बार में मां बनने का सफलता मिली। आमिर खान की दूसरी पत्नी किरण राव भी इस गर्भपात से गुजर चुकी हैं। बता दें कि आमिर और किरण साल 2005 में शादी के बंधन में बंधे थे। किरण 2009 में प्रेग्नेंट हुई और दुर्भाग्य से कुछ महीने बाद गर्भपात के चलते उन्होंने अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को खो दिया। इस बारे में खुद आमिर खान ने कहा था कि किरण और मैंने अपने बच्चे को खो दिया है। बहुत कोशिश करने के बाद भी हम गर्भपात को नहीं रोक पाए। बाद में दंपति ने IVF तकनीक आजमाई। टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ अब शादी के 5 साल बाद भी माँ बनने वाली है, लेकिन उन पर भी गर्भपात का पहाड़ टूट पड़ा है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट करते हुए दीपिका और उनके पति शोएब इब्राहिम ने ब्लॉग के जरिए खुलासा किया कि पिछले साल दीपिका का मिसकैरेज हुआ था। इस दर्द से उबरने में उन्हें काफी समय लगा है। कॉमेडी कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा शाह भी इस दर्द को झेल चुकी हैं। एक इंटरव्यू के दौरान कश्मीरा ने खुलासा किया कि कई बार गर्भपात होने के बाद ही उन्होंने सैरोगेसी के जरिए मां बनने का सुख मिला। बता दें कि मई 2017 में ही जुड़वा बेटे के माता पिता बने थे। बच्चों का जन्म सैरोगेसी के जरिए हुआ था।